अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि भारत में सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू रहे, इसके लिए हर सप्ताह भारत में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने का महाअभियान शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा, एक राष्ट्र एक कानून की महत्ता का कार्य देश में चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अखंडता के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाकर वहां के निवासियों को देश के मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है। इसी कड़ी में बजरंग दल ने हर गली मोहल्ले में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है, जिसके अंतर्गत बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदू राष्ट्र निर्माण के साथ साथ हिंदुओं की रक्षा का भी दायित्व संभालेंगे। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं के शौर्य से अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। अब देश से सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू रहे, इसीलिए भारत में 1,00,000 जगह पर हर सप्ताह हनुमान चालीसा पाठ का हमने अभियान शुरू किया है। हनुमान चालीसा पाठ सभी के लिए हिंदू परिवार की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान का काम करेगा। समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, और यह लक्ष्य पूरा करने के लिए हमने मंगल या शनिवार हर सप्ताह गांवों और शहर की गलियों में हनुमान चालीसा शुरू किया है। हनुमान चालीसा केंद्र चलेगा, वहां रहने वाले 100, 200, 500 परिवारों की समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान की चिंता हनुमान चालीसा केंद्र करेगा। इसलिए हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान का केंद्र है। हमने पूरे देश में यह बढ़ाना शुरू किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।